हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। गूगल की तरफ से ऑफिशियली उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर गूगल ने फ्री स्कॉलरशिप निकाली है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। दो टाइप की स्कॉलरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक जो है वो कैश रिवॉर्ड्स जो कि बच्चों को दिया जा रहा है, अप टू 70,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड्स आप लोग ले सकते हो एज अ गूगल स्कॉलर। गूगल पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करके आप लोगों को कोई भी एग्जाम, कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी। डायरेक्ट आप लोग स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हो और ये सारा फायदा उठा सकते हो। आज इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट ओनली 1000 लाइक का, देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग कंप्लीट करते हो। जल्दी से कंप्लीट कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने से पहले, मैं आप लोगों को एक और बहुत अच्छी अपडेट के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप लोग गेट 2022 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग अनअकैडमी के नए रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस में एनरोल कर सकते हो। अगर आप लोग अपनी रैंक इंप्रूव करवाना चाहते हो 2022 में, ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो गेट एग्जाम, तो आप लोग इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। दो बैच और स्टार्ट हो रहे हैं सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ 2023 का भी एक बैच स्टार्ट हो रहा है। इन सभी के लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। कूपन कोड में आप लोग ट्रिकी मैन डाल सकते हो। अगर आप लोग अनअकैडमी से कुछ भी परचेज करते हो, आप लोग ये कूपन कोड डाल सकते हो जिससे कि आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। काफी अच्छे बैच हैं, काफी अच्छे एजुकेटर हैं, चेकआउट जरूर करिएगा आप लोग इन बैचेस को। अब बात करते हैं गूगल की स्कॉलरशिप के बारे में, कैसे आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोग गूगल की किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो, इंटर्नशिप हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गया, तो आप लोगों को गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि बिल्ड योर फ्यूचर विद गूगल के नाम से ये वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यहां पे इस वेबसाइट पे आप लोगों के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, गूगल की हायरिंग प्रोसेस, सब कुछ आप लोग देख सकते हो। तो जैसे कि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्कॉलरशिप की, तो आप लोग यहां पे स्कॉलरशिप का आइकन दिया गया, इस पे क्लिक कर देना है। तो जितने भी स्कॉलरशिप गूगल की तरफ से निकाली जाती है टाइम टू टाइम, चाहे आप वो कह सकते हो स्टूडेंट स्कॉलरशिप जिसमें बच्चों को कैश रिवॉर्ड उनके बैंक अकाउंट में दिया जाता है, या फिर ट्रैवल स्कॉलरशिप जहां पे आपको ट्रैवल के लिए एक्सपेंसेस दिए जाते हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से ट्रैवल कर सको, अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सको एज अ स्टूडेंट। तो यहां पे सभी सारे बेनिफिट एज अ स्कॉलर्स को बच्चों को मिलते हैं। यहां पे अब दो स्कॉलरशिप लाइव हो रखी हैं बच्चों के लिए, एक जो है वो जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप है और एक स्कॉलरशिप है आप लोगों के लिए, यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, गूगल कॉन्फ्रेंस स्कॉलरशिप। इन दोनों स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ। जो ये वाली स्कॉलरशिप वो 10 दिसंबर के लास्ट डेट है, 10 दिसंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। गूगल कॉन्फ्रेंस स्कॉलरशिप है वो 31 दिसंबर है। दोनों की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, दोनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, जो कि आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है वो अलग अलग कंट्रीज के लिए निकाली गई है, इंडिया के लिए भी निकाली गई है, इंडिया, ताइवान, थाईलैंड जैसी कंट्रीज अगर एशिया पैसिफिक रीजन आती है, तो आप लोग इस वाली एशिया पैसिफिक वाली स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना है। 10 दिसंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। 10 दिसंबर तक ये जो स्कॉलरशिप है वो लाइव रहने वाली है। साल में दो बार ये जो गूगल स्कॉलरशिप निकालते हैं जहां पर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मार्च के अराउंड और दिसंबर के अराउंड। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर अभी आप लोग एलिजिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1000 USD करीब 70,000 से ज्यादा एज अ इंडियन रुपीज बच्चों को दिए जाते हैं उनके बैंक अकाउंट में, जिनका भी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होता है। यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है वो स्पेशली वुमेन्स के लिए, जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। यहाँ पे अगर आप कोई कंप्यूटर साइंस डिग्री कर रहे हो इस टाइम पे इंडिया में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप 2022-2023 स्कूल ईयर में पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पे 1000 USD आपके बैंक अकाउंट में गूगल की तरफ से एज अ रिवॉर्ड दिया जाते हैं, एज अ आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए रिवॉर्ड दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप लोग अभी करंटली इनरोल्ड हो फुल टाइम स्टूडेंट बैचलर डिग्री में 2022 और 2023 सेशन में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग अभी सेकंड ईयर में इस टाइम पे पढ़ रहे हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दौरान। अगर आप लोग अभी सेकंड ईयर में एडमिशन आप लोगों ने करवा रखा है, अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई डिग्री कर रहे हो, टेक्निकल रिलेटेड कोई डिग्री कर रहे हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप लोग का एकेडमिक रिकॉर्ड कोई थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को मिलने वाली है, क्योंकि एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होने वाली है। आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपके एग्जाम वगैरह जो भी पहले के आपके कॉलेज के एग्जाम है, मार्क्स वगैरह, उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे लीडरशिप और डेमोंस्ट्रेशन पैशन आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करोगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, कहा गया गूगल करियर स्टूडेंट्स पेज है, उस पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोग एलिजिबल नहीं हो। पहली स्कॉलरशिप ये है जहां पे ओनली वुमेन्स ही और गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बताता हूं जहां पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम लोग ये गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप के बारे में देख लेते हैं।
तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, अगर आप लोग अप्लाई करने की सोच रहे हो इस पर क्लिक कर देना है। जीमेल अकाउंट से आप लोग को लॉगिन कर लेना है, आप लोग को फर्स्ट नेम देना है, अपना लास्ट नेम देना है और कुछ बेसिक आप लोग को यस नो कर देना है, सेव बटन पे क्लिक कर देना आप लोगों को। उसके बाद ये बेसिक सा करंट एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोगों के सामने, ये आप लोगों को बड़ा ध्यान से फिल कर देना है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। पहले आपको माई इन्फॉर्मेशन में आपके बारे में नाम डिटेल आपकी ऐड कर दी हमने, कॉन्टेक्ट एंड जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऐड कर देनी है। उसके बाद आप लोग अपना फोन नंबर एड्रेस वगैरह ऐड कर देंगे। उसके बाद करंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, इस टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हो, क्या है यूनिवर्सिटी का नाम है, फुल टाइम स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम स्टूडेंट हो, कौन सी डिग्री है, कब तक कंप्लीट हो जाएगी, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट हो जाएगी, वर्क एक्सपीरियंस अगर आप लोगों ने कभी इंटर्नशिप की है, जॉब की है, कुछ भी किया है, वो वर्क एक्सपीरियंस आप लोग ऐड कर सकते हो। जितनी ज्यादा डिटेल ऐड करोगे उतना ज्यादा फायदा है। एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों के लिए यहां पे, एप्लीकेशन प्रोसेस में आप लोगों को अपना रिज्यूमे, ट्रांसक्रिप्ट डिटेल्स ऐड कर देनी है, शॉर्ट टर्म एसे भी आपको ऐड कर देना है जो कि आप लोग उसमें मेंशन करोगे क्यों आपको इस स्कॉलरशिप की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, सबमिट इन 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स आप लोग कंप्लीट करके अपनी ये जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो यहां से। उसके बाद अगर आप विड्रॉ करना चाहो तो यहां पे विड्रॉ का भी ऑप्शन आता है, आपकी जो मेल आईडी होगी वहां पे भी आपको नोटिफाई करा दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो कि गूगल की तरफ से निकाली जाती है हर साल, यहां पे गूगल की तरफ से जो गूगल कॉन्फ्रेंस स्कॉलरशिप होती है जो कि लास्ट डेट 31 दिसंबर है, इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप होती है वो बेसिकली ट्रैवल एक्सपेंसेस से रिलेटेड स्कॉलरशिप होती है। यहां पे आप लोगों को कोई कैश रिवॉर्ड डायरेक्टली नहीं मिलता है, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे कैश रिवॉर्ड दिया जाता है एज अ ट्रैवल ग्रांट। अगर आपकी जो डिग्री कर रहे हो आप लोग उसमें आपको ट्रैवल की जरूरत होती है तो आप लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाता है गूगल की तरफ से स्कॉलरशिप को लेने का। फ्री एक्सपेंस होते हैं, फ्री ट्रैवल होता है बच्चों के लिए, फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ रहे हो जहां पे ट्रैवल ग्रांट्स आप लोगों को अवेलेबल हो तो आप लोगों को गूगल की तरफ से भी स्कॉलरशिप दी जाती है, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग गूगल की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आप पेपर एक्सेप्टेड होने चाहिए आपके, फुल पब्लिकेशन वगैरह, बेसिकली ये अगर आप रिसर्च रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस डिग्री रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो तो आप लोग इस गूगल कॉन्फ्रेंस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोगों के लिए, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे कुछ बेसिक से डिटेल डाल के आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा अपने यूनिवर्सिटी के बारे में। इस वाली जो स्कॉलरशिप में वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैन वुमेन्स गर्ल्स कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहे, इसके लिए अलग से कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई कॉलेज का कंडीशन नहीं है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और हमारे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।